नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन यूनिट नंबर चार जो है मैथमेटिक्स की शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर पाँच और छः मैं आपको पहले ही पूरी करवा चुका हूं, तो ये लास्ट यूनिट है अपनी गणित की, इसके बाद अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। और यूनिट नंबर चार का ये पहला ही वीडियो है अपना, जिसमें अपन सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा इसकी। तो गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, उसको सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स बोला जाता है, यानी आंकड़ों से इसमें खेला जाता है एक प्रकार से। इसके बाद बात कर लेते हैं प्राथमिक आंकड़ों की। तो दोस्तों, जो आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं, इन्हें मौलिक आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे सरकार के द्वारा की गई जनगणना और कक्षा के सभी छात्रों के परीक्षा में आए अंकों के आंकड़े जो हैं वो प्राथमिक आंकड़े। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सरकार जो जनगणना करती है वो किसी से, मतलब कहीं और से वो आंकड़े उठा करके नहीं लेके आती है, बल्कि स्वयं जो जनगणना सरकार के द्वारा ये किया जाता है, ये कार्य पहली बार किया जाता है, तो ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं। द्वितीयक आंकड़े कौन से हैं दोस्तों? यदि आंकड़े पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा संग्रहित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है, तो ये आंकड़े बाद वाले अनुसंधानकर्ता हेतु द्वितीय आंकड़े होंगे। इन्हें गौण आंकड़े भी कहा जाता है या द्वितीयक आंकड़े भी कहा जाता है। मतलब जैसे सरकार ने जो है वो आपकी जनगणना के कार्यक्रम करवाया, यानी कि सरकार ने जो जनगणना का कार्य करवाया वह प्राथमिक आंकड़े हैं। अगर जनगणना के माध्यम से जो भी आंकड़े निकल के आए उनको अगर कोई अखबार वाला अपने अखबार में जो है छापता है, तो अखबार में इन आंकड़ों का छपना जो है वो द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वो सरकार के द्वारा के लिए गए आंकड़े हैं। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े कौन से हैं। अब जो राजस्थान बोर्ड कक्षा छः में ये बुक चलती है, एक राजस्थान बोर्ड में कक्षा छः में गणित की जो बुक है उसमें प्रश्नावली नंबर 15.1 में पहला जो प्रश्न है वो क्या आपका कि निम्नांकित में से प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों को पहचानिए। तो दोस्तों, पहला अपना जो क्वेश्चन है वो है प्रार्थना सभा में कक्षावार उपस्थिति की गणना। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कि प्रार्थना सभा में जब बच्चों की अपन कक्षावार जो उपस्थिति लेते हैं, तो हर दिन नई उपस्थिति अपन एक प्रकार से लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हर बार अपन नई उपस्थिति लेंगे, नया आंकड़ा है, तो ये प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। तो प्रार्थना सभा में कक्षावार उपस्थिति की गणना जो है वो प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत रखेंगे। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? छात्र उपस्थिति रजिस्टर में कक्षा छः के विद्यार्थियों की जातिवार संख्या, यानी सॉरी यहाँ पे क्या है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर से, यानी कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर से अपन क्या ले रहे हैं, जातिवार संख्या ले रहे हैं बच्चों की, यानी कि अपन किसका सहारा ले रहे हैं, रजिस्टर का सहारा ले रहे हैं, छात्र उपस्थिति रजिस्टर का सहारा अपन ले रहे हैं। तो ये जो जातिवार संख्या जो बच्चों की, ये क्या हो जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े होंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने उपस्थिति रजिस्टर से इस चीज़ को उठाया है, ठीक है, इन आंकड़ों को उपस्थिति रजिस्टर से लिया, तो ये द्वितीयक आंकड़े हो गए। फिर है आपका किसी सड़क से प्रातः 9 से 11 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की संख्या। तो दोस्तों, ये तो है नहीं कि हमेशा 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक उस सड़क से वही वाहन जाएंगे जो रोज़ गुजरते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो प्रत्येक हो सकता है कोई एक आधा चला भी जाए, लेकिन हर दिन लगभग नई गाड़ियां या वही गाड़ियां, उनमें कुछ और गाड़ियां ऐड होकर के निकलती हैं, तो ये एक बिल्कुल नया आंकड़ा होता है जो कि पहली बार, और ये नहीं कहीं से लिखा गया है। 9 से 11 जो वाहन निकलते हैं उनका आंकड़ा पहले से कहीं भी मौजूद नहीं है, वह अपन ही लिख रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या, कौन से आंकड़े होंगे, प्राथमिक आंकड़े दोस्तों इनको माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जयपुर से राजस्थान के प्रमुख नगरों की दूरी मानचित्र में देखकर बताना। तो दोस्तों, दूरी को कहाँ से देखा जा रहा है, मानचित्र से देखा जा रहा है, तो प्राथमिक तो है मानचित्र, और जो ये जो आपके प्रमुख दूरी है उसकी बात अगर की जाए तो प्रमुख दूरी कहाँ से देखी जा रही है, मानचित्र से देखी जा रही है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल होगा ये द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल 2 और 4 जो वो द्वितीयक आंकड़े के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1 और 3 जो वो प्राथमिक आंकड़ों के आपके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन अब वर्ग। वर्ग क्या होता है? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार इनको वर्ग बोलते हैं, जिसमें 0 जो है उसको L1,
10 जो है वो एल टू, यहाँ 10 से 20 में 10 एल वन और 20 एल टू होगा, उसी प्रकार 20 से 30 में 20 एल वन और 30 जो है वो एल टू होगा, इसी प्रकार 30 से 40 में जो है एल वन क्या होगा आपका 30 होगा और एल टू होगा आपका 40। ठीक है दोस्तों, वर्ग सीमाएं अपन देख सकते हैं कि एल वन क्या है, वर्ग की न्यूनतम, वर्ग का जो न्यूनतम मान है 0 से 10 में न्यूनतम मान क्या है 0 है, तो ये L1 होगा, यानी कि L1 क्या है वर्ग का न्यूनतम मान और L2 क्या है वर्ग का अधिकतम मान जो कि कितना है 10। अब दोस्तों आपको क्या देखना, परास, परास क्या होती है, वर्ग के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के बीच का अंतर, यानी L2 माइनस L1 जो है वही आपका क्या कहलाता है, परास एक प्रकार से कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर वर्ग विस्तार, तो किसी वर्ग की उच्च व निम्न सीमा का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, उसका वर्ग विस्तार कहलाता है, इसको दोस्तों परास के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ग विस्तार और परास एक ही है, L2 माइनस L1। ठीक है, फिर है मध्य बिंदु, तो वर्ग सीमा का जो मध्य बिंदु 0 से लेके आपका 10 जो एक वर्ग दे रखा है उसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो दोस्तों L1 और L2, ये आपको पता है L1 है ये L2 है, L1 और L2 को जब अपन जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास मध्य बिंदु आ जाएगा, यानी 0 प्लस 10 बटा 2 यानी कि 5 आपका जो है वो मध्य बिंदु 0 से और 10 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं अपन, निम्न सीमा और उच्च सीमा, वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 का भाग लगा करके। फिर है वर्ग आवर्ति या बारंबारता, तो किसी वर्ग में उपस्थित अवलोकनों की कुल संख्या ही उस वर्ग की आवर्ति या बारंबारता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, किसी वर्ग में उपस्थित अवलोकनों की कुल जो संख्या है उस संख्या को क्या कहते हैं, उस वर्ग की आवर्ति या बारंबारता दोस्तों कहा जाता है। बात कर लेते हैं मिलान चिन्ह की, मिलान चिन्ह क्या होते हैं, जैसे एक कोई संख्या दे रखी है तो एक का मिलान चिन्ह आप इस प्रकार से एक लाइन बनाइएगा जैसे यहाँ बना रखी है, दो का मिलान चिन्ह क्या होता है ऐसे दो लाइनें बना देंगे, दो का मिलान चिन्ह हो गया, तीन का मिलान चिन्ह ऐसे तीन लाइनें बना दीजिए वो तीन का मिलान चिन्ह हो जाएगा, ये थोड़ी तिरछी खींच दिए लेकिन ये सीधी होनी चाहिए दोस्तों, सीधी बिल्कुल सही रहती हैं, तो ये इस प्रकार से होगी, एक की जो मिलान चिन्ह वो इस प्रकार से, दो का इस प्रकार से, तीन का एक दो तीन इस प्रकार से हो जाएगा और चार का एक दो तीन और चार लाइनें इस प्रकार से हो जाएंगी। पाँच के लिए मिलान चिन्ह जब अपन बनाएंगे तो एक दो तीन चार, ये तो हो गया आपका चार रेखाएं और ये आपकी इस प्रकार से पांचवी रेखा खींची जाएगी। अगर दोस्तों अपन पाँच को इस प्रकार से बना देते हैं, इस प्रकार से रेखा खींच देते हैं इधर से इधर, तो ये गलत होगा, पाँच को मिलान चिन्ह में इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो थोड़ा सा रेखाओं को ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, फिर जैसे आपको छः लिखना है तो पाँच वही तरीका आपका बनाने का, पाँच को इस प्रकार से बनाएंगे, फिर ये छः, अगर सात बनाना है तो पाँच को इस प्रकार से बनाएं और सात आठ नौ और ये दस, और आपका फिर से सॉरी दस नहीं, दस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच और पाँच आपका हो गया दस। तो इस प्रकार से जो है वो मिलान चिन्ह अपन बना सकते हैं, 11 के लिए एक और रेखा, 12 के लिए 13, 14 और फिर ये 15। तो इस प्रकार ये आपके मिलान चिन्ह हो जाएंगे, जिनको टेली जो है मार्क्स भी बोलते हैं एक तरीके से, तो ये मिलान चिन्ह आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आवर्ती बंटन, तो आवर्ती बंटन जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो खंडित आवर्ती बंटन जिसको असमूहित भी बोलते हैं, जैसे लिखे होंगे आपके दो तीन तीन चार आठ दस आठ इस प्रकार से, मतलब खंडित ये एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, खंडित होंगे असमूहित होंगे। दूसरा है अखंडित या सतत या समूहित आवर्ती बंटन, जो अखंडित या सतत या समूहित या जो सॉरी समूहित आवर्ती बंटन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अपवर्जी श्रेणी और दूसरी होती है समावेशी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी कौन सी है, इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा यानी L2 व एक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L1 दूसरे वर्ग की जो है वो बराबर होती हैं। मतलब क्या है, यानी कि इसमें किस प्रकार से शुरू होता है दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें जैसे आपके वर्ग किस प्रकार के होंगे, आपके अपवर्जी जो श्रेणी होती है उसमें किस प्रकार से श्रेणी शुरू होती है, जैसे 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, फिर 180 पर यह ख़त्म होता, अगला आएगा 180 से 190। यानी कि कहने का क्या मतलब है इसमें, कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा यानी
पहले वर्ग की ऊपरी सीमा 160 है, L2 160 है, और दूसरे वर्ग नेक्स्ट वर्ग की पहली जो सीमा है L1, वो दोनों क्या होती हैं, समान होती है। इसमें यही है अपवर्जी श्रेणी में, तो 150 160, 160 170, फिर 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200, इस प्रकार से अपवर्जी श्रेणी चलती है। अगर समावेशी श्रेणी की बात करूँ तो इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा व दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में अंतर अवश्य होता है। मतलब क्या, जैसे आपका जैसे 151 से 160, 161 से आपका 170, 171 से 180, इस प्रकार से इसमें होगा। यानी कि 151 से 160 है, फिर 160 से शुरू न होकर के 161 से शुरू होगा, तो इस प्रकार की जो श्रेणी है उसको आप समावेशी श्रेणी बोलते हैं। अगर उसी से शुरू हो तो अपवर्जी श्रेणी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिए दोस्तों। और फिर नीचे इसी के बारे में दोस्तों लिखा हुआ है, वो क्या लिखा वो देख लेते हैं। इसमें अगर 160 को रखना है तो वह वर्ग 160 से 170 में आएगा। यानी कि अपने को यहाँ 160 को रखना है इनके बीच में, वो अपन आगे करके देखेंगे। तो 160 दोस्तों कहाँ आएगा, 150 या 160 वाले में आएगा, या 160 या 170 वाले में आएगा, तो 150 और 160 वाले में वो दोस्तों आएगा, ठीक है। सॉरी, 160 जो है वो आपका अगली वाली श्रेणी में, यानी कि 160 और 170 वाली में आएगा। देख भी सकते हैं अपन, इसमें अगर 160 को रखना है तो वह वर्ग 160 से 170 में आएगा, ना कि 150 से 160 में आएगा। इसी प्रकार 190 को अगर रखना है तो 190 जो है वो 190 से 200 वाले में आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और आगे क्या है इसमें, यदि और ये वाली जो आपकी श्रेणी है 41 से 50 है, 51 से 50 है, 60 है, इसमें क्या है, इसमें यदि 50 को रखना है तो वह 41 से 50 वाले में आएगा, क्योंकि ये तो 51 से 60 हो गया, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें आप समझ सकते हो कि 160 रखना है तो इस वाले में आएगा, ऊपर वाले में नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर आपकी संचयी आवृत्ति या बारंबारता, तो संचयी आवृत्ति या बारंबारता क्या होती है उसको देख लेते हैं अपन। तो दोस्तों जैसे एक वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, इस प्रकार से आपका मान लीजिए आपका एक वर्ग दे रखा है। तो इस वर्ग में मान लीजिए 0 से 10 की 5 आवृत्तियां हैं, 10 से 20 की 7 आवृत्तियां हैं, 30 से 40 की 8 आवृत्तियां हैं, और आपकी 40 से 50 की 3 आवृत्तियां हैं। तो संचय आवृत्ति क्या होगी आपकी पहली के लिए, तो जो आवृत्ति है 0 से 10 के लिए संचय आवृत्ति क्या है, आपकी जो आवृत्ति होगी वही इसकी जो है संचयी आवृत्ति होगी। तो 0 से 10 के वर्ग के लिए आवृत्ति 5 है, तो आवृत्ति संचयी आवृत्ति हो जाएगी, यानी 5 ही संचयी आवृत्ति होगी। लेकिन 10 से 20 के लिए आपकी आवृत्ति तो 7 है, लेकिन संचयी आवृत्ति दोस्तों कितनी हो जाएगी, इस 7 में क्या जोड़ेंगे अपन, इस 5 को जोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 5 और 7 12। फिर 30 से 40 के लिए क्या आ जाएगी, 12 और 8 20, ठीक है, इस प्रकार से जोड़ के लिखेंगे। फिर 40 से 50 के लिए यहाँ 20 व 3 23, इस प्रकार से जोड़ेंगे। यानी कैसे जोड़ना है अपने को, एक तो ये 5 आ जाएगा सीधा सीधा, पहले वर्ग के लिए आवृत्ति क्या हो जाएगी आपकी, आवृत्ति संचयी आवृत्ति आपकी बन जाएगी। तो 5 को यहाँ पे जो भी संख्या उसको सीधा यहाँ लिख देंगे, फिर इस संख्या में जो अपन क्या जोड़ेंगे, इस प्रकार से इसको चलाएंगे, 5 और 7 12, फिर 12 और 8 20, ठीक है, फिर 20 और 3 23, इस प्रकार से अपन संचय आवृत्ति दोस्तों निकाल सकते हैं। और संचय आवृत्ति निकालने के बाद ये आपका किसका मान होगा, एन का मान होगा। अब एन क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोज़ में। फिर दोस्तों जब विभिन्न वर्गों की आवृत्तियां अलग अलग ना देकर आवृत्तियों को संचयी योग के रूप में वर्ग के सामने लिखा जाता है तो उन्हें संचय आवृत्तियां कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब विभिन्न वर्गों की आवृत्तियां अलग अलग ना देकर के आवृत्तियों को संचय योग के रूप में वर्ग के सामने लिखा जाता है तो उन्हें संचय आवृत्ति कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, संचय आवृत्ति की एक प्रकार से डेफिनेशन है, और जिसमें आपकी आवृत्तियां नहीं दी गई हैं, सीधी संचय आवृत्ति दी गई, और ये किस प्रकार से ये मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे कि संचय आवृत्ति और बारंबारता क्या होती है, संचय आवृत्ति निकालते कैसे हैं, बस इतना ही इसमें समझना, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे L1 L2 क्या, निम्न श्रेणी क्या है, उच्च श्रेणी क्या है, और मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं। आपकी आवृत्ति बंटन दो प्रकार की होती है, खंडित और अखंडित, ये भी आप समझ गए होंगे। वर्ग सीमाएं समझ गए होंगे, वर्ग विस्तार, परास, मध्य बिंदु,
आवर्ती या बारंबारता समझ गए होंगे। इसके अलावा आंकड़ों की पहचान प्राथमिक या द्वितीयक आंकड़े हैं, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में समांतर माध्य वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।